वेलकम टू एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस चैप्टर वन पार्ट फोर एपिसोड नंबर फोर लेके हम आए हैं। इसमें देखो क्या क्या हम डिस्कशन करेंगे। एक तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे, साथ में तुम्हें शॉर्ट्स के बारे में सिखाएंगे, यानी यहां पर नॉन रूट, ये भी बात को सिखाएंगे। चलो हम लोग चालू हो जाते हैं। सेट्स जो होता है वो चार फॉर्मेट में हो सकता है। पहला सिंपल, दूसरा मिक्स्ड, तीसरा कंपाउंड और चौथा बाइनोमियल सेट्स। अब हम बात करते हैं, जैसे यहां रूट अंडर एट है, अभी देखो सिंपल में है, अब टू रूट अंडर टू लिख दिया, मिक्स्ड में है। कंपाउंड में क्या होगा कि यहां रूट थ्री है, यहां रूट टू है, कंपाउंड हो गया और रूट फाइव भी डाल दिया। अब यहां पर हम बात करेंगे बाइनोमियल में, तो यहां रूट थ्री है और ये दो टर्म लिखा तो रूट टू हो गया। यानी अब तुम्हारे पास यहां पर एक कंजुगेट फैक्टर होगा, एक रेशनलाइज फैक्टर होगा। तो हम रेशनलाइज फैक्टर के बारे में बात करेंगे, तो यहां रूट थ्री, रूट फाइव, यहां रूट टू, ऐसे है। अब इसकी रेशनलाइज फैक्टर निकालना होगा तो रूट थ्री से ऊपर नीचे करेंगे तो रूट थ्री, यहां थ्री, यहां पर रूट फाइव, फाइव, यानी इसका रेशनलाइज फैक्टर रूट थ्री, रूट फाइव, रूट टू, ऐसे हो गया। लेकिन रेशनलाइज फैक्टर मतलब रेशनल नंबर आपको लाना होता है, रेशनल नंबर लाना होता है। अब इसके लिए बेसिक जानकारी पहले तुम्हें होना चाहिए। बेसिक जानकारी की ज्ञान हम लोग देते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब तुम्हारे पास क्या है, इससे तुम निकाल सकते हो। अगर यहां ए के जगह पर रूट अंडर ए इसका स्क्वायर और रूट अंडर बी इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर ए, रूट अंडर बी और यहां पर रूट अंडर ए और रूट अंडर बी, यानी यह ए माइनस बी हो गया, तो रूट अंडर ए बी, यानी यहां पर तुम्हारा ये क्लियर हो गया या रेशनल नंबर आ गया, यानी इसका रेशनलाइज फैक्टर ये होगा और इसका रेशनलाइज फैक्टर ए होगा। इस ढंग से तुम्हें अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहां पर ए माइनस बी और ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा। अब यहां ए के थर्ड रूट की बात करेगा, यानी एक बटे तीन ज्यादा सुंदर लगेगा, यानी एक बटे यहां तीन कर दिया, इसकी तीन, यहां एक बटे तीन, इसकी तीन, तो यहां ए के पावर एक बटे थ्री, बी के पावर एक बटे थ्री और यहां ए दो बटे तीन, ए के पावर वन बाई थ्री, बी के पावर वन बाई थ्री और यहां बी के पावर टू बाई थ्री। यानी यहां ए माइनस बी आ गया, यानी इसका रेशनलाइज फैक्टर ये हुआ और इसका रेशनलाइज फैक्टर ए हुआ, यानी यहां पर भी यह बात समझ में आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, पेज लेने की आवश्यकता पड़ेगा। अब तुम्हारे पास जो है ए के पावर फाइव और यहां बी के पावर फाइव है, तो ए माइनस बी और ए के पावर फोर और ए क्यू बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए के पावर वन, बी के पावर थ्री, बी के पावर फोर, उस रूम में चले जाइए।
यहां पर तुम्हारे पास क्या है कि यहां पर 55 रूट है, तब आपको कैसे करना पड़ेगा, ए के पावर 1/5 के पावर 5, बी के पावर 1/5 के पावर 5, तो ए के पावर 1/5, बी के पावर 1/5, और यहां ए के पावर 4/5, ए के पावर 3/5, बी के पावर 1/5, ए के पावर 2/5, बी के पावर 2/5, ए के पावर 1/5, बी के पावर 3/5 और बी के पावर 4/5। यानी यहां पर ही ए माइनस बी हो गया, यहां ए के पावर 1/5, बी के पावर 1/5, यानी ए के पावर 4/5, ए के पावर 3/5, बी के पावर 1/5, 2/5, यहां 2/5, यहां ए के पावर 1/5, बी के पावर 3/5, बी के पावर 4/5, यानी इसका रेशनलाइज फैक्टर ये हो जाएगा और इसका रेशनलाइज फैक्टर ए हो जाएगा। यानी कभी कभी लोग गलत बता देते हैं कि कंजुगेट वहां बात बोल देते हैं, जैसे क्या बोल देंगे, √(a − √(b), तो बोलेंगे माइनस रहेगा बाबू तो इसको प्लस कर देना, अब प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है। अरे होगा केवल या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, बाकी जगह ये नहीं होता है। यानी आपको कैसे रेशनलाइज फैक्टर करना है, अब थोड़ा इस पर हम चर्चा कर देते हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आया √(5 − √(3), इसकी रेशनलाइज फैक्टर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा यहां पर √(5 + √(3) आया, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा बात। लेकिन तीसरा प्रश्न तुम्हारे पास आया, अब बताओ क्या कर सकते हो, क्योंकि सर से पढ़ रहे इसे कर सकते हो। चौथी प्रश्न आया, यह प्रश्न को तुम्हारे पास मैंने दिया है तो इसका तो बिल्कुल आसान है, 9th क्लास के लिए बहुत इजी है। अब पेन को थोड़ा सा हम चेंज कर देता हूं, इसका रेशनलाइज फैक्टर √(5 + √(3) और यहां पर √(5 + √(3) यह हो गया। और इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, यही दिमाग में गलत फहमी हो जाता है और लोग समझता है कि प्लस रहता हुआ था माइनस, माइनस रहता हुआ था प्लस, तब बताओ एकर कहां हुई, इसका बताइए क्या होगा। यानी आपको रेशनलाइज फैक्टर का मतलब हुआ कि आपको उसको मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर लाना है, यानी यहां पर 5 के पावर 2/3, 5 के पावर 1/3, 3 के पावर 1/3 और 3 के पावर 2/3, यह इसका रेशनलाइज फैक्टर होगा। यह बात तुम्हारे पास क्लियर समझना है। अब इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, तुम अब टेक्निक समझ गया है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस नहीं होता है, यहां 1/3 है,
और यहां भी 1/3 है, यानी ये फॉर्मूला पर बेस पर होता है। तो अब तुम्हारे पास इसकी रेशनलाइज फैक्टर हो जाएगी 5 के पावर 1/5 और 2 के पावर 1/5, और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर ये हो जाएगा। हम समझते हैं कि अब आप लोग रेशनलाइज फैक्टर समझ गए, यानी यह बना कैसे है, फिर से एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। यानी यह बना है a^n - b^n, तो a - b होगा। फॉर्मूला रटना नहीं है, मजा लेना है। यह घटने का काम करेगा, यह बढ़ने का काम करेगा। घटेगा तो n-1 से घटेगा, और बढ़ेगा तो 0 से बढ़ेगा। ये घटाते बढ़ाते लिख देना है, ये n-1 b^0, अगला n-2 b^1, यहां n-3 b^2, सो ऑन डॉट डॉट डॉट, a^0 b^n-1। अब तुमको कोई भी फॉर्मूला लिखने की बात अगर करेगा, जैसे a² - b² तो a-b और a+b, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 लिखा गया। अब यहां पर तुम्हारा सोच स्क्वायर है ना, तो रूट है, अब उसको स्क्वायर करेंगे तो फिर होने का चांसेस है, तो इसको √a इसका स्क्वायर मान, यहां √b इसका स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा √a √b और यहां पर √a √b। यह बात आया कि नहीं आया? अब यह हो गया a-b, तो √a - √b और यहां पर √a+√b, यानी इसका रेशनलाइज फैक्टर ये हुआ और इसका रेशनलाइज फैक्टर ये हुआ। अब इसी ढंग से तू सोच, aq-bq a-b फॉर्मूला के अनुसार लिखेगा तो a² ab+b²। अब यहां पर q है तो ये q रूट होगा, यानी √a³ और √b³। तो यहां पर √a, √b और यहां तुम्हारा a²³ और a²³, b²³ और b²³। यहां पर a-b होगा, a²³ b²³ और यहां a²³ ये तुम्हारे, यानी इसका रेशनलाइज फैक्टर ये होगा और इसका रेशनलाइज फैक्टर ए होगा। इसी ढंग से देखो फोर वाला में क्या होता है, यहां पर फोर वाले में डायरेक्ट भी आ सकता था a-b और a³ a²b और a^1 b^2 b³। अब डायरेक्ट लिख दूंगा तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं दिक्कत होना चाहिए। यहां पर a-b कर दिया, यहां चौथा √a का और चौथा √b का, और यहां पर a³³ a²² और b¹1/4। अगला a²² b²² और b³³। इसको दूसरे ढंग से भी बना सकता था, a²-b² करके, लेकिन मजा तब आएगा ना a⁵ b⁵। तो यहां a-5b और a⁴, यहां 3 और 1, यहां 2 2, 1 b2 b⁴।
यानी यहां पर ए माइनस बी लिखा जा सकता है जब ए के पावर 1/5 बी के पावर 1/5, तो यानी ए के पावर 1 बटे यानी 4/5, ए के पावर 3/5 और बी के पावर 1/5, ए के पावर 2/5 बी के पावर 2/5 और यहाँ ए के पावर 1/5 बी के पावर यहाँ 2 2 4 यहाँ 3/5 और बी के पावर 4/5। यानी आपके लॉजिक में आना चाहिए कि यहां पर 1/5 1/5 है तो 4 3 2 1 4 हो जाएगा। यह तुमको रेशनलाइज अब क्लियर हुआ। अब इसको विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 रेकरिंग ऑन द नंबर लाइन 5 तक, 5.3777। तो पहले तो देखना है कि यह 5 से 12 है और 6 से छोटा है, यानी यहां पर कुछ नंबर लाइन पे यहां पर यह 5 ले लिया और यहां पर तुम्हें 6 ले लिया। और चूंकि पॉइंट के बाद पहले यह बात करेंगे तो यहां पर 3/10 हिस्सा है, यानी इसको 10 भाग में बांट करके अब उसके तीसरे हिस्से पर है, तो 10 भाग बांटने के लिए इसको 9 बार काटना पड़ेगा। तो हम बताए थे कि यहां पर तुम 60 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री, चलो लेकिन अंदाज से ले लेते, यहां 1 यहां 2 यहां 3 यहां 4 5 6 7 8 9, यहां पर 5.1 लिख सकते हो, 5.2 5.3 5.4 और 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और 5.3 यहां है और यहां है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास ले आओ। अब ग्लास लाने की जरूरत नहीं है, हम है ना, यहां से यू निकालो। ए रुको 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 रुको, ये ए फिर देखो पकड़ा गया, रुको मैं रहो, पता है ना, ए ठीक है यहां आ गया। और इसको विजुलाइज करके यहां ला दो। अब यहां पर तुम्हारा 5.3 हो गया और यहां पर ये 5.4 हो गया। अब मामला ये आ गया, ये रियल में यही चीज को हमने मैग्निफाइड कर दिया है, राइट। आप देखो ये कह रहा है 7/100 हिस्सा, यानी पहले से 10 भाग में तो बट गया ना, अब इसी को 10 भाग में फिर बांटो। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां बांट दिया। पेन थोड़ा चेंज कर देंगे तो तुमको दिखेगा, यानी यहां पर ये 5.31 हुआ, ये 5.32, 5.33, 5.34, 5.55, 5.6, 5.7 और ये 5.8, यानी ये वैल्यू की हमें जरूरत है 5.37 और ये वाला वैल्यू है 5.38। यानी फिर यहां पर मैग्नीफाई ग्लास लगा दो, यहां से फिर निकला, यहां से फिर निकला। अब यहां पर 5.37 हो गया और यहां पर 5.38 हो गया। अभी पहले 10 भाग में बांटा था, फिर 100 भाग में बट गया। यहां देखो 1000, यानी पहले उसको 10 भाग में काटा, फिर उसको 10 भाग, 100, फिर उसको काटेगा। यानी यहां पर तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7
सात आठ नौ। और चूंकि तुमको 5.37 7 पर पहुंचना है, तो यहां 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7, यानी ए वैल्यू 5.377 और ए वाला जो वैल्यू आया 5.377 ये 8 हो गया। अब फिर से यहां से मैग्नीफाई कर दिया, देखो यार मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया, लेकिन तुम लोग समझ गया है, अब आराम से निकाल दोगे। तो देखे नहीं, कभी कभी तुम देखोगे कि जिनकी आंख खराब हो जाता है मैग्नीफाई ग्लास से पेपर पेपर पढ़ते हैं, या तुम यहां पर देखोगे डेंटिस्ट को, वहां पर भी रहता है, या मेडिकल किराना स्टोर वाले को भी, बहुत लोगों को खराब हो जाता है तो दवा में उसमें छोटे छोटे पार्ट लिखे रहते हैं, तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं, यानी वो मैग्निफाइड हो जाता। यहां पर तुम्हारे पास ए तुम्हारे क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है ये, तो हम समझते हैं कि तुम लोग कर दोगे। यहां पर तुम्हारे पास करने में कोई तरह का दिक्कत अगर है तो बोल सकते हो, काहे को दिक्कत होगा सर है ना, यहां यह 3 है और यहां क्या है 4, और इसकी बात कर रहा है तो 7/10वां पोजीशन कर रहा है, तो 1/10 1/10 बांटेंगे तब तो, यानी यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर तुम्हारे पास 3.7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3.7 और 3.8, यहां पर इसको मैग्नीफाइड ग्लास लगा दिया, यानी ये वाला कुछ यहां दिखेगा और ये वाला कुछ यहां दिखेगा। अब ये नंबर लाइन पर ले लिया, अब यहां पर 6/100 100 में इसको बांटना है, तो 10 तो पहले से बटा हुआ था, ये 10 बार का पार्ट था, अब उसको भी 10 बार में बांट दिया, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तुमको 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी ए वैल्यू 3.76 और 3.77। यहां पर मॉडिफाई हो गया, मैग्निफाइड हो गया, ए हो गया, अब यहां पर 3.76 और 3.77, अब फिर इसको 10 भाग में बांटा, अब लाना है 3.765, 1 2 3 4 5, दिस वैल्यू आपने दिखा दिया। अगली प्रश्न 4.26, 4 डेसिमल तक निकालना है, यहां 4.2626, ये 4 है, यहां 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4.2 पर ही जाना है ए वाला, और ये 4.3 मैग्निफाइड लगा देंगे, यहां पर 4.2 यहां 4.3, आई रे, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, यानी 4.26 और यहां पर 4.27, यहां पर मैग्निफाइड कर देंगे ए, तो यहां 4.26 4.27,
फिर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, फिर टू तक जाना है, ए वाला। यहां मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड, और ये तुम्हारा हो गया 4.262, और यहां पर 4.263। अब इसको 10 भाग में बांट देंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, और सिक्स तक जाना है, एक दो तीन चार पांच छ, 4.2626 दिस नंबर। क्वेश्चन विंडो का टाइम आया है, आ गया क्वेश्चन विंडो, क्योंकि एक्सप्रेशन को थ्योरी में सिंपल सेट्स, मिक्स सेट्स, कंपाउंड सेट, बाइनोमियल सेट्स पढ़ा चुके हैं। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 35, और इससे इसे कर दीजिए रूट अंडर 10, इससे इसे कर दीजिए रूट अंडर 21, इससे कर दीजिए यहां पर रूट अंडर 6। ये प्लस माइनस के एक्सप्रेशन में जुड़ा हुआ है, कंपाउंड सेट्स हो गया। अगला प्रश्न, यह प्रश्न देखो, यहां 32 है और यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 यानी 1/5 यानी 2 हो जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 4 यानी ये 3 हो जाएगा। यहां 25/100, 1/4, यहां पर 3 का निकालेंगे, यहां 205 जाए तो यहां पर 100 हो गया, 1/2 यानी 16, और यहां 121 इसका है तो ये 11 यहां पर, यानी 5, ए भी वाला 5, 5 5 कट के 1। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखो, तुम्हारे पास लॉजिकली दिया हुआ है, यहां पर तुम्हारे पास 19 और 360 है, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या करेंगे, 9 चौक 36, इसको लिख सकते हैं 19 -2√90 यानी 10 9 90 10 9 19, यानी इसको रेस्ट, यहां पर ये रियल में यह लिखा हुआ है रूट अंडर 10 और रूट अंडर 9 लिखा हुआ है। अब इसके रेशलाइज फैक्टर करेंगे तो रूट अंडर 10 + √9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 21 ठीक है, 4 वहां से निकल गया, 3 4 44 110, 11 10 यानी इसकी रेशलाइज फैक्टर रूट अंडर 11, और माइनस है तो यहां पर +√10, और माइनस के एक्सप्रेशन में है यहां पर तो माइनस। अगला वहां 20 है, 11 9 20, तो यहां पर √11 और √9 ये वाला इससे कट गया, ओ सब कट मरा, तो खेला हो गया। यह चीज तुमको यहां पर समझना है। अब ये बराबर देखो, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, यहां पर ए और बी में है तो इसको रेशलाइज करेगा तो 1/ यहां पर 17 + 16 लिखा जाएगा, और इसको लिख सकते हो 16 और √15 लिख सकते हो। इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, जमीन तो दोनों का सेम है, यानी नीचे वाला बड़ा है यानी ए वाला छोटा है, यानी इसमें जो बड़ा दिखेगा यानी ए छोटा है बी से। अगला प्रश्न है तुम्हारे पास, यहां पर इस छठा रूट निकालना है, यहां तीसरा रूट निकालना है, हर बनाना ना, इसको अस्थाई रहने दो, सब भगवान चाहेंगे हो जाएगा। अब यहां पर पहले क्यू रूट है, इसको रूट में कन्वर्ट कर दो, क्यू रूट इसको रहने दो, इसके अंदर में रूट लगा दो। अब यहां पर 15 -2√56, 8 7 56 और 8 7 15 होता है, यदि थर्ड रूट रहने दो, यहां पर इसको 2√2 और √7 लिख सकते हो। अब देखो ये और ये, यहां पर थर्ड रूट हो गया,
ये 2√2 होना चाहिए और यहां √7 होना चाहिए, यानी थर्ड रूट ऑफ यहां पर 2√2 माइनस √7, और यहां पर तुम्हारे पास 2√2 और यहां √7। यहां पर हम लोग थर्ड रूट में बात करेंगे, 8 में से 7 गया तो 1, यहां पर थर्ड रूट ऑफ 1, यहां पर 1, यानी ये तुम्हारा 1 हो गया। अगला प्रश्न है तुम्हारे पास कि यहां पर कौन बड़ा है, यह बात तुमको यहां सीखना है। तो यहां देखो ये 4 है 6 है 8 है 12 है, तो यहां पर तुम्हारे पास हम लोग सॉल्व करेगा तो यहां पर एलसीएम 24 हो जाएगा, यानी 24 में 4 के पावर 6 है, यहां पर 24 में 5 के पावर 4 है, और यहां पर 24 में यहां 6 के पावर 3 है, और यहां पर 24 में यहां 8 के पावर 2 है, यानी 4 के पावर 6 है, यानी 16, और वो वहां पर हम लोग करेंगे तो 40 96। और यहां पर 24 में 5 के पावर 4 है तो 625, और यहां पर 24 में 216, और 24 में 64। अब तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में कहना है तो है ही है, आप तुमको लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट, तो तुम्हारे पास लेफ्ट का सब निकल जाएगा आराम से। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो इधर से काउंटिंग करो या इधर से काउंटिंग करो, अपना काउंटिंग करके तुम्हें लिख देना है। अगला प्रश्न है 11 11 11, ए वाला तुम्हारा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्स इज कंजुगेट सेट्स ऑफ वाई, देन एक्स कैन बी आपका रेशनलाइज फैक्टर ऑफ वाई। यस, इफ एक्स इज अ रेशनलाइज फैक्टर तो उसका कंजुगेट होना जरूरी नहीं है, तो यानी तुम्हारे पास बोथ 1 एंड 2। अगला तुम्हारे पास प्रश्न है, इसको रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करेगा तो तुम्हारे पास 8/2, यहां पर देखो रेशनलाइज कर दिया तो यहां पर नीचे तो 31 आ जाएगा, ऊपर 3 माइनस 2√5 है, और यहां पर से जो है 6+√5 से है, यानी 6 3 18 हो गया, और 6 2 12√5 हो गया, और यहां पर 3√5 यहां पर 10, यानी 8 तो आएगा ही, 8 हो गया ही, -9 31 तो होगा ही, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया। अगला तुम्हारे पास जो है 2 टू द पावर m a माइनस n, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो p एक नया टर्मोलॉजी आ गया है, एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस।